हालांकि हम लोग नया बिहार बनाने में विश्वास रखते हैं और जात पात की जो राजनीति है इससे ऊपर उठ करके आज हम सब लोगों को नया बिहार बनाने का काम करना है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब लोग जो है बेबस हैं, नाराज हैं, नाखुश और अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो है उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। अब आप देखिएगा लगातार चाहे सीएए का मामला हो, 370 धारा के मामले हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जिस प्रकार से SC ST के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, OBC के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और नीतीश कुमार जी केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने खुशी के लिए ना कोई विचार रह गया, ना कोई नीति रह गई, ना कोई सिद्धांत रह गया, हर चीज में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और एक पत्रकार बंधु हम उससे और श्याम रजक जी से सवाल पूछ रहे थे, तो हम तो उनको कहना चाहते हैं DNA का गाली जिस व्यक्ति को मिला आज वो उतने टेक दिए हैं, उसी व्यक्ति के आगे जिसने DNA का गाली दिया उसका भी वीडियो है हमारे पास। सुशील मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार बिहार के पर्याय नहीं है, ये भी वीडियो है हमारे पास। तो जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहे, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हो बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जितन राम मांझी हो, तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई तो बचा ही नहीं जिसको नीतीश जी ने देखा था। जब 4 साल में 4 सरकारें बनती हो खुद के लालच में, मेजोरिटी आने के बाद भी 4 साल में 4 सरकार बनती हो उनका कोई जो है सवाल रखने का हक नहीं बनता। बिहार में मैंडेट महागठबंधन जो दरवाजे से बीजेपी को सरकार दिलाने का काम उन्होंने किया, जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर रहे उसका कोई भरोसा बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों ने कल भी हमें एक ट्वीट करके देखा कि बिना किसी के लिए भाई जांच चल रहा है कोरोना की, तो लोगों में भारी निराशा, ना पलायन रोक सके, ना रोजगार दे सके, अपराध तो 4 गुना बढ़ गया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के फैसलों में काम आते और पूरी तरीके से अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है, जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं। हमने स्पष्ट पहले लोग जो है विधायक के घर से लोग जो कैंप नहीं मानते वो लोग जो है पहले से ही बोलते हैं, और पार्टी नेतृत्व ने इन सारे बिंदुओं को देखते हुए जो है वो कार्रवाई की, तो कभी जो है डिस्कशन कर दिया गया 6 सालों के जो है उससे हम कोई बात नहीं करना चाहते। कल क्या होगा
परसों क्या होगा, क्या परिस्थिति, अभी हमारी कोई इस प्रकरण को लेकर के हमारी चुनाव के खुद के मंत्री मुख्यमंत्री से विश्वास टूट गया, उम्मीद खो बैठे और उनके नीतीश कुमार जी के मंत्री जो है पार्टी से, अगर हमारा याददाश्त हो तो 15 साल में पहली बार कोई नीतीश जी का मंत्री जो है विपक्ष दल जो है ज्वाइन करने का काम नहीं, आप नहीं मतलब क्यों आखिर ऐसी क्या मानता नहीं। और दूसरी बात कि उनके जो सहयोगी दल है चिराग पासवान जी लोजपा, वो तो साफ तौर पर बोलते रहे कि नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं, खुद के विधायक खुद के मंत्री से वो बात नहीं करते। चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी दल के, वो कहते हैं कि भाई उनको फोन करते रहते हैं, मिलने का ना समय देते हैं ना बात करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नीतीश कुमार जी का। हम लोगों ने भी संबोधन सुना गांधी मैदान से, जिस तरीके का उनका जो भाषण रहा सब रहा, नीतीश जी को किसी को उम्मीद नहीं होगी कि रेट पे आ जाएंगे। अब पूरा जो है मेरा बिना नाम लिए हुए जो बोलना था